हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और सबसे खास बात पता है क्या है, आप लोग कमेंट करके अपना डाउट तो पूछ ले रहे हो, लेकिन जो लोग डाउट पूछते हैं ना, वो भी वीडियो को लाइक नहीं करते, वो केवल अपने डाउट आते हैं पूछ करके चले जाते हैं। मतलब पूरी वीडियो वो लोग देखेंगे और उसके बाद लास्ट में कमेंट बोलेंगे, सर इसका आंसर ये हो सकता है, ये कैसे हुआ है, सब अपने डाउट पूछेंगे, लेकिन वही लोग लाइक बिना करे ही छोड़ करके चले जाते हैं। इसका मतलब आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको लीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी क्लास में भी देखिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज नोन एज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है वो कौन सा है, प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर, नो मैक्सिमम लिमिट इन केस। किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ज्वाइंट तो फैमिली बिजनेस में, पार्टनरशिप में, कंपनी में। तो किसमें है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, डिसएग्रीमेंट अमंगस्ट द पार्टनर, शेयर्ड मैनेजमेंट, डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन। तो क्या है इसमें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। द मेजर एडवांटेज ऑफ ए फ्रेंचाइजी, जो मेजर एडवांटेज है फ्रेंचाइजी का वो क्या है, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट असिस्टेंट, पर्सनल ओनरशिप, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नाम, ऑल ऑफ दी अबव। तो मतलब जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेनिंग ऑन क्या होता है, मैनेजमेंट भी मिलती है हमें, पर्सनल ओनरशिप हम खुद ही ओनर रहते हैं, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नाम और हमें फेमस नाम भी मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका, जैसे कि हमारा है क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसी का भी देखो आजकल चला हुआ है वाव मोमो का। किसका, वाव मोमो की हमने फ्रेंचाइजी ले ली, तो वाव मोमो की जब हम फ्रेंचाइजी लेंगे तो वो हमें ट्रेनिंग भी देंगे और वो शॉप रहेगी उसके ओनर हम ही रहेंगे, और एक तरीके के हमें नेशनली रिकॉग्नाइज नाम भी मिलेगा हमारी शॉप को। तो ये एक फ्रेंचाइजी का क्या है, एडवांटेज है। नेक्स्ट है मैं, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर, दिस स्टेटमेंट रेफर्स किसमें आती है, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप। तो ये किसमें आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा क्या है, लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम है, कौन सी है, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, मल्टीनेशनल। तो किसकी है, पार्टनरशिप की होगी या कोऑपरेशन की होगी, कॉरपोरेशन की होगी या कोऑपरेटिव की होगी या मल्टीनेशनल की। तो लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम किसकी होगी, तो ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, शेयर्ड मैनेजमेंट। तो क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर द लॉ इज कॉल्ड कंपनी, ओल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्या होगी, कंपनी इज द राइट आंसर। प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू मेंबर्स एट ए रीजनेबल रेट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। तो क्या होगा, वो हाउसिंग कोऑपरेटिव रहने के लिए क्या दे रहे हैं, अकोमोडेशन, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उनके मेंबर को एट ए रीजनेबल रेट पे, कम पैसों पे। तो किसका पार्ट है वो, हाउसिंग सोसाइटी का। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज कौन सा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वन शेयर वन वोट, वन मैन वन वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट। तो आंसर इसका क्या होगा, वन शेयर वन मैन वन वोट, एक आदमी की एक वोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप, सोल प्रोप्रेटरशिप की एडवांटेज क्या है, ईज ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, बीइंग योर ओन बॉस, प्राइड ऑफ ओनरशिप, या ऑल ऑफ दी अबाव। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबाव इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, किसमें, सोल प्रोप्रेटरशिप में, पार्टनरशिप में, कंपनी में, नन ऑफ दी अबाव। तो रजिस्ट्रेशन किसमें कंपल्सरी है, कंपनी में। ए पार्टनर हु एसोसिएटेड विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिंग एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर, या सीक्रेट पार्टनर। तो वो कौन सा होता है, सीक्रेट, अननोन है इसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। द कर्ता इन ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो कर्ता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसकी लाइबिलिटी क्या है, नो लाइबिलिटी फॉर डेब्ट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ज्वाइंट लाइबिलिटी, या लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, और जो उसके पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। मतलब उसके जो को पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए पार्टनर्स हु इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप बट लेंड हिज नेम फॉर जनरल पब्लिक रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट पार्टनर, जनरल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर। तो क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल पार्टनर, अपना नाम देता है, एक्चुअली में वो पार्टनर इन नॉट इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप बट लैंड हिज नेम फॉर पब्लिक, वो कौन सा पार्टनर होगा, नॉमिनल पार्टनर होगा, नेम से नेम, एन से नॉमिनल। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, सोल प्रोप्रेटरशिप, कंपनी पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, तो कौन सी है, सोल प्रोप्रेटरशिप। अगला देखो, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेशली फाउंड इन इंडिया, जो केवल इंडिया में पाई जाती है, कौन सी है, सोल प्रोप्रेटरशिप है, एनजीओ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। तो इंडिया में कौन सी पाई जाती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपल्सरी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांच चार छह आठ, तो कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सिक्स टाइप्स की, उनके नाम आप कमेंट में बताओगे। क्या है देखो, सतीश हैड लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द कोविड 19, कोविड 19 में उसकी जॉब चली गई। नाउ ही वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑन हिज नेम, सतीश हैज लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबल विद हिम, डज नॉट वांट टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अ बिजनेस, सजेस्ट कौन सा बिजनेस उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए, पार्टनरशिप का, सोल प्रोप्रेटरशिप का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या कोऑपरेटिव। तो आंसर कौन सा आएगा, सोल प्रोप्रेटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म फॉर्म वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड लाइबिलिटी टू हिज मेंबर्स, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्रेटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो कौन सा होगा इसमें, कंपनी, जिसकी लाइबिलिटी है, उसके जो मेंबर्स उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इसलिए नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 12, 1, 7, नो लिमिट। तो कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7, लिमिटेड
पब्लिक के लिए, और प्राइवेट के लिए कितने होने चाहिए? टू। एज पर कंपनी एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड, एक कंपनी इज विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी विच हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ। आवाज आ रही है? एक कंपनी विच हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स, ए कंपनी विच इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक, ए कंपनी विच हैज लिमिटेड नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 200। तो कंपनी की डेफिनेशन कौन सी है अकॉर्डिंग टू, कंपनी का मतलब क्या है डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू 2013 के अकॉर्डिंग। तो ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी अकॉर्डिंग टू 2000 पब्लिक कंपनी डिफाइंस, पब्लिक कंपनी कौन सी है, रिस्ट्रिक्शंस ये भी प्राइवेट कंपनी है, इशूइंग नहीं कर सकते शेयर ये भी प्राइवेट कंपनी है, मैक्सिमम 200 ये भी प्राइवेट कंपनी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अमित इज परफॉर्मिंग ए बिजनेस एक्टिविटी इन विच ही इंजॉयज ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क अलोन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक, तो पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोल प्रोप्रेटरशिप है, ज्वाइंट इंटू है, तो वो कौन सा है, सोल प्रोप्रेटरशिप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए रनिंग ए रिटेल शॉप ऑफ ग्रोसरी, ठीक है, अंडर द सोल प्रोप्रेटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ए सन्स वांट टू हिम टू एक्सपेंड द शॉप एंड डील इन अदर टाइप्स ऑफ गुड्स एज वेल एज, बट ए डज नॉट एग्री विद हिज सन्स प्लान, डू यू थिंक ए सन कैन एग्जीक्यूट हिज प्लान विदाउट ए कंसर्न, यस नो यस बट आफ्टर कंप्लीट फेलियर इज नो नन ऑफ दी बिलो, तो आंसर क्या होगा इसका, नो, जब तक उसका कंसर्न नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डीमेरिट कौन सी है पार्टनरशिप फर्म के, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, योर डोमिनेंस ऑफ वन पार्टनर, तो क्या है, लैक ऑफ बिजनेस, तो कौन सा होगा इसमें डिमेरिट्स पार्टनरशिप फर्म की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हरीश वाज ए सोल प्रोप्रेटरशिप वाज ए रनिंग रिटेल शॉप ऑफ गिफ्ट, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एक्सीडेंट हरी डाइड, मर गया, ड्यू टू विच बिजनेस ऑल्सो कम्स एट द एंड, विच फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप इज अप्लाइड, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, सोल रिस्क बियर प्रॉफिट रेसिपिएंट, नन ऑफ द अबव, तो क्या है इसमें, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाउंड टू शो अकाउंट्स टू एनीवन, कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्रेटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो किसमें है, सोल प्रोप्रेटरशिप्स को अपने अकाउंट्स दिखाने की किसी को जरूरत नहीं होती है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इन द फैमिली या सोल प्रोप्रेटरशिप, तो सोल प्रोप्रेटरशिप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला बोला है, पूजा इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ क्लॉथ, पूजा है एंगेज है किसमें, बिजनेस में, किसके, कपड़े के में, सी हैज मैनेज ऑल द टास्क रिलेटेड टू द बिजनेस अलोन बिकॉज हर फ्यू मार्केटिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ हर इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट अप टू द हर एक्सपेक्टेशंस, पूजा इज बिजनेस इज डैश फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा बिजनेस है वो, ज्वाइंट इंटू है, सोल प्रोप्रेटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कौन सा है, सोल प्रोप्रेटरशिप। नेक्स्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटी टूगेदर, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और ऑफ देम टूगेदर या नन ऑफ दे अबव, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, द रिलेशन बिटवीन पर्सन, बिटवीन पर्सन जो एग्री होते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, या तो सभी के सभी या उनके बिहाफ पे एक आदमी को, एक पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या बोला, द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है उनकी लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड है, दिस मीन्स इसका मतलब क्या है, पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज फॉर रीपेइंग डेब्ट्स,
पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू रीपे फर्म्स डेब्ट्स एंड लाइबिलिटी, पार्टनर विल इंजॉय अनलिमिटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, अगर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो क्या होगा, उनकी पर्सनल एसेट्स का भी यूज किया जा सकता है फॉर री पेइंग ऑफ डेट्स। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एबीसी टूगेदर डोनेट 60,000 टू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड स्मॉल स्मार्ट हेल्थ केयर, कैन दिस कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल बी पार्टनरशिप, यस नो यस नन ऑफ दी अबव। तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सीक्रेसी, इजी फॉर्म ऑफ एंड क्लोजर, लिमिटेड लाइबिलिटी, मोर फंड्स। तो नोट एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है। तो भाई पार्टनरशिप फर्म में सीक्रेसी रहती है, इजी फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, या मोर फंड है। तो नोट एडवांटेज नहीं है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबरशिप नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसकी मेंबरशिप कैसी होती है, लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। रति श्री कवि वर बोर्न इन पार्टनरशिप फर्म, कवि वांट्स टू हिज सन टू एंटर इनटू फर्म, श्याम श्री एग्रीज बट द रति डू नॉट एग्री टू कवि इंटेंशन, कैन कवि ब्रिंग सन्स टू पार्टनरशिप फर्म इवन इफ रति डज नॉट एग्री, यस नो यस बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन लीगलिटी, नन ऑफ द बॉ। तो वो नहीं लेकर के आ सकती, आंसर विल बी द नो। पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट इज अ लिमिटेशन ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस। तो किसमें होगा, पार्टनरशिप में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, सिक्स टाइप्स के, उसके नाम आप लोग कमेंट में बताओगे, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल, सीक्रेट पार्टनर, तो सबके नाम आप कमेंट में टेक्स्ट करके बताओगे। पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नन ऑफ द अबव। तो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कौन होता है, डोरमेंट पार्टनर। पार्टनर हु डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल, नाइदर टेक्स इन पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, बट स्टिल ही इज लाइबल टू पे द फर्म्स डेट बिकॉज दे आर कंसिडर एज टू बी पार्टनर फॉर द फर्म इन द आई ऑफ थर्ड पार्टी, डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव, या पार्टनर बाय स्टॉपल। तो आंसर क्या होगा इसका, पार्टनर बाय स्टॉपल। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप आर क्लासिफाइड इन टू पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लॉन्ग पार्टनरशिप, या शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग और शॉर्ट तो है नहीं, ड्यूरेशन टाइम का पूछा है, तो टाइम का पूछा है, एट विल और एट ए पर्टिकुलर। 25 का आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर डैश व्हाइल अदर, तो जो एक पार्टनर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, तो एक की लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड, और बाकी की कितनी होगी, लिमिटेड। तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, सी इज द अनलिमिटेड और लिमिटेड, डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ 26th क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट दैट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, या पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। Which of the following is not mentioned in the partnership deed? Name of the firm, duration of the firm, method of solving dispute, या amount of profit? तो क्या चीज नहीं लिखा रहता, method of dispute का नहीं लिखा रहता, या name of the firm नहीं लिखा रहता, या amount of profit and loss नहीं लिखा रहता। तो क्या नहीं लिखा रहता, amount of profit, क्योंकि ये चीज तो हमें पता ही नहीं है कि कितना profit कमाएगा business future में, तो आज के दिन हम उसको partnership deed में कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इट इज डैश पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, मैंडेटरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, नन ऑफ द अबव। तो क्या है, ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। 30th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉन रजिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, क्या समस्याएं आ सकती है उन फर्म को लेकर के जो रजिस्टर्ड नहीं है। ए पार्टनर
कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द पार्टनर ऑफ द फर्म, ए पार्टनर्स कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ए फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी समस्या आ सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उस पार्टनरशिप फर्म का। द पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1994, पार्टनरशिप एक्ट 1922। तो किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस? हिंदूज लॉ एंड हिंदू अनडिवाइडेड लॉ, हिंदू फैमिली लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो किसके अकॉर्डिंग? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। द पर्सन इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हु कैरीज ऑन द बिजनेस एंड इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो उसको क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। तो कर्ता इज द राइट आंसर। ऑल द मेंबर हु हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर आर नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? फैमिली मेंबर्स, को पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स, हायर्स ऑफ द बिजनेस, उसको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज डैश वाइल द अदर मेंबर, जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड है, और बाकी की कैसी है? लिमिटेड है। जो हमारा लिमिटेड अनलिमिटेड पार्टनरशिप का रूल था क्या था कि एक पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, बाकी की क्या होती है? लिमिटेड। ऐसे ही जो ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस जो करता है, जो सबसे हेड है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी की क्या है? लिमिटेड है। कैन माइनर बी ए मेंबर ऑफ ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस? यस, नो, पार्शल यस, यस इफ ऑल द मेंबर्स एग्री में। भाई यस, क्योंकि जन्म होते ही वो उस फर्म का क्या बन जाता है? मेंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग्स दीज इज ए मेरिट्स ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें से मेरिट्स कौन सी है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, डिस्प्यूट्स अमंग्स द मेंबर, इफेक्टिव कंट्रोल, लिमिटेड रिसोर्स। तो क्या है इसमें, बताओ जल्दी से। तो क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दीज इज द लिमिटेशन ऑफ ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस? लिमिटेशन कौन सी है इसमें? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑल मेंबर, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, डिले इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लिमिटेशन है, क्या है इसमें? लैक ऑफ मैनेजरियल या लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, बी इज द राइट ऑप्शन। कैन माइनर बी एंटर इन टू पार्टनरशिप? नो, यस, यस, बट म्यूचुअल कंसेंट ऑफ होल पार्टनर एंड ओनली टू शेयर प्रॉफिट, नन ऑफ देयर। तो माइनर पार्टनर बन सकता है, सारे पार्टनर्स का एग्रीमेंट होगा तब, लेकिन केवल वो बेनिफिट ही शेयर करेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल, इंफोसिस, विप्रो, ऑल ऑफ देयर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? अमूल जो है, अमूल जो दूध आता है डेयरी, तो वो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए फीचर टू सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर? कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल प्रोप्रेटरशिप, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर, टू इंक्लूड हैबिट सेविंग्स अमंग द मेंबर, टू कोऑपरेट एंड वर्क एज ए टीम विद मेंबर। तो उसका मोटिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ए मेरिट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट? बिकॉज दिस सोसाइटी एग्जेम्प्लीज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज दिस सोसाइटी आर फॉर्म्ड विद द वेलफेयर ऑफ द मेंबर, बिकॉज दिस सोसाइटी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सच सोसाइटी। है, बिकॉज दिस सोसाइटी एग्जेम्प्लीज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी।
How does the cooperative society raise its capital? By issuing shares to its member, by issuing shares to general public, by getting donation, none of the above. So by issuing share it's to member is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिमिटेशन क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्स है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन है, डिले इन डिसीजन मेकिंग है। तो क्या है लिमिटेशन? गवर्नमेंट कंट्रोल है। 45 इज द राइट आंसर। डैश इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन सा का फॉर्म किया गया है? फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोकुलधाम सोसाइटी इज मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल इन विच दीज मेंबर्स आर एबल टू कंस्ट्रक्ट बाय हाउस एंड रीजनेबल रेट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कौन सी सोसाइटी है? ये है कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है, द चीफ ऑफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ ए कंपनी। तो कौन होता है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो चीफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोहिबिट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी क्या है, इसके बारे में बताया गया है, प्राइवेट कंपनी के बारे में। कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर ऑफ ए प्रमोटर, सिग्नेचर ऑफ सीए। तो क्या है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन सू थर्ड पार्टी और इट्स मेंबर, कैन बी सूड बाय इट्स मेंबर और एनी थर्ड पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दीज द मेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी की कौन सी मेरिट है? क्विक डिसीजन है, लैक ऑफ सीक्रेसी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ईज ऑफ फॉर्मेशन है। तो क्या है इसमें? प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। कोमल फॉर्म्ड ए प्राइवेट कंपनी नेम एबीसी लिमिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ प्रियांश। कोमल ने एक कंपनी खोली है, किसकी? एबीसी की। डेथ ऑफ कोमल द कंपनी, कोमल प्रयास नहीं है, कोमल कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन बिकॉज ऑफ डैश फीचर। कॉमन सी लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन या प्रीपिचुअल सक्सेशन। तो किसके कारण? प्रीपिचुअल सक्सेशन, डी इज द राइट ऑप्शन। डैश आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर्स, इंप्लॉयज, कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज कॉम्प्लेक्स, इजी, इजियर देन सोलो प्रोप्रेटर, इजियर देन पार्टनर। क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, जटिल है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? प्राइवेट है, पब्लिक है, सब्सिडरी है या एनजीओ है? तो रिलायंस जो इंडस्ट्री है वो कैसी है? प्राइवेट इंडस्ट्री है। एक कंपनी नेम टेक प्राइवेट लिमिटेड वांट टू इश्यू इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, कैन कंपनी डू? यस, यस आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यस आफ्टर दे फ्यू रिस्ट्रिक्शन, नो। तो वो क्या कर सकती है? नहीं कर सकती। द लिमिटेड मेंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी 100, 200, 500, नो फिक्स। तो क्या है? नो फिक्स। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट, कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। अमन वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस विच रिक्वायर्ड गुड मैनेजरियल स्किल, विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक? तो सोल प्रोप्रेटरशिप कंपनी ज्वाइंट इन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या खोल लेना चाहिए उसको? चुपचाप सोल प्रोप्रेटरशिप बिजनेस खोल लेना चाहिए, या कंपनी खोल लेना चाहिए, या ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस खोल लेना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमन के पास क्या करता है? रिक्वायर्ड गुड मैनेजरियल स्किल है। विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक अमन शुड फॉर्म? तो इसका आंसर आप बताओगे, क्या खोल लेना चाहिए उसको? सोल प्रोप्रेटरशिप कंपनी, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो खोल लेना चाहिए। तो इसका आंसर आप बताओगे। विच of these type of partners do not participate in management of the firm? Sleeping partners, partner by estoppel, partner by holding up, or all of the above? तो आंसर क्या होगा? All of these
ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में। ए पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। एक्टिव पार्टनर, डोरेंट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल पार्टनर बाय होल्डिंग अपॉन। कैपिटल तो देता है तो वो कौन सा पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर इज द राइट आंसर। पार्टनर हु डू नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बांटता, नॉमिनल पार्टनर, स्टॉपल, होल्डिंग आउट, ऑल ऑफ दी वो। तो डू नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कौन से, ऑल ऑफ दी अबाउ इज द राइट आंसर। डैश टाइप ऑफ पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो सारे के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो सोने वाला पार्टनर हो चाहे वो नाम देने वाला पार्टनर हो, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ए कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर फोर देर इज अ स्कोप ऑफ डैश ऑफ द कंपनी अर्निंग मोर प्रॉफिट, एक्सपेंशन, मोर रिक्रूटमेंट, नन ऑफ दी अबाउ। तो क्या स्कोप है उनके पास, एक्सपेंशन का। मोस्ट इन एक्सपेंसिव वे टू स्टार्ट ए बिजनेस, सोल प्रोप्रेटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या है, सोल प्रोप्रेटरशिप। एज आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस विद इनिशियल कॉस्ट रिक्वायर्ड इज लिस्ट ही शुड, कंपनी, कोऑपरेटिव, सोशल प्रोप्रेटरी, ज्वाइंट इन, क्या खोलना चाहिए उसको, चुपचाप जाकर के सोल प्रोप्रेटरशिप। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट, मिनिमम पब्लिक में कितने होने चाहिए, दो, और प्राइवेट में कितने होने चाहिए, दो, सॉरी तीन और दो। तो आंसर क्या होगा इसका, 3:2 इज द राइट आंसर। विनोद वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ही इज अफ्रेड दैट इन केस ऑफ एसेट्स हिज बिजनेस फॉल शॉर्ट फॉर रीपेइंग द लायबिलिटी, हिज पर्सनल एसेट्स कुड बी यूज्ड टू रीपे द लायबिलिटीज, सजेस्ट विनोद विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही शुड स्टार्ट सो दैट ही फियर्स कम टू एंड, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्रेटरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस। तो भाई इस सब चीज से बचेगा तो उसको क्या खोल लेनी चाहिए, कंपनी खोल लेनी चाहिए। ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय डैश ओनली क्रिएटेड कैन टू ब्रिंग्स एंड्स, तो क्रिएटेड बाय लॉ और एंड्स विद, खत्म किससे कर सकते हैं, लॉ से, और बंद भी किससे कर सकते हैं, चालू भी किससे कर सकते हैं, लॉ से। तो लॉ लॉ इज द आंसर, ए इज द राइट आंसर। इट इज कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी हैव इंडेक्स मेंबर, यस, पार्टनरली, यस, नो, नो। तो इंडेक्स मेंबर होना कोई कंपल्सरी नहीं है। The continuity of company is stable because separate legal entity, perpetual succession, common seal, artificial personal. Continuity है क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि separate legal entity है, अपने आप में क्या है? वो अलग है, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है। Minimum numbers of members required to form a cooperative society. कम से कम कितने होने चाहिए? 10. इन केस ऑफ रनिंग ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट डैश मेंबर इन द फैमिली, कितने होने चाहिए? 2. दीज आर द एमसीक्यूज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।